नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सिंकॉम फॉर्मुलेशन। ये जो शेयर है फार्मा सेक्टर का एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा शेयर है। जब इसमें गिरावट चल रही थी तब हमने आपको इसको सजेस्ट किया था 7.90 पैसे के आसपास के लेवल पर कि आप उसको बाय कर लीजिए। आपको ये बहुत सारा पैसा आगे आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के बेस पर अच्छा पैसा बना के देने वाला है, क्योंकि जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी तब इसने लोगों को भर भर के पैसा बना के दिया था। ये बहुत इसमें तेज़ी आई थी। और आपको ऐसा पता है कि अब कोरोना की थर्ड वेव इंडिया में बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, तो उस टाइम पर भी फार्मा के जितने भी जो शेयर रहने वाले हैं तहलका इंडिया में फिर से बचा के रखने वाले हैं। और उनमें से एक जो शेयर है अपना सिंकॉम फॉर्मुलेशन भी है, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आगे देने वाला है, क्योंकि ये कंपनी जो है बहुत अच्छी कंपनी है। कंपनी आपको आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा विस्तार करती हुई दिखाने वाली है अपना बिजनेस को, काफ़ी ये कंपनी बड़ी होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं जिन टॉपिकों को आपको बताने वाला हूँ कि इसके जो तेज़ी चल रही है ये तेज़ी कहाँ तक जाने वाली है, इसके आगे के क्या टारगेट्स हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट लेवल होने चाहिए, अगर इसमें तेज़ी के बाद गिरावट आती है तो ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है, मैं आपको सब बताऊँगा इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो सबसे पहले हम चल के देखते हैं कि इसमें कैसे क्या आज के दिन अभी ट्रेड चल रही है। तो इसमें देखें 40 पैसे के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी इसमें अपर सर्किट लग चुका है। ये सर्किट अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करीब 11 बजे के आसपास सर्किट लग गया था और अभी भी इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है, और इसमें लगभग 4.91% के आसपास की तेजी आई है। अभी ये 8.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। वन वीक का अगर इसका हाल देखें तो वन वीक में इसमें 50 पैसे के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, जो कि 5.42% के आसपास की इसमें गिरावट देखने को मिली है। वन मंथ का इसका हाल देखें तो वन मंथ में ऑलमोस्ट 13 रुपये की इसमें 13 पैसे की इसमें तेजी देखने को मिली है, जो कि 1.54% के आसपास की तेजी है। इसने अपना हाई बनाया था 9.17 रुपये के आसपास का, उसके बाद से इसमें गिरावट आ गई थी। 9.17 रुपये के लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं जा पाया था। इसने कोशिश तो जरूर की थी, 9.11 रुपये तक पहुंच गया था, लेकिन उस लेवल के बाद से इसमें लगातार गिरावट आई थी और अब ये गिरावट के बाद दोबारा से ऊपर जाना इसने चालू कर दिया है। 6 महीने का इसका हाल देखिए तो 6 महीने में आप देखिए 5.21 रुपये की तेजी इसमें आई है, जो कि 156% के आसपास के इसने रिटर्न दिए लोगों को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। 3 रुपये के आसपास के लेवल से 9 रुपये के आसपास के लेवल पर पहुंच गया था ये। 9.30 रुपये के इसने हाई को टच किया था। तो आपको तो अंदाजा लगा कि आपने ऑलमोस्ट इससे 2.5 गुना पैसा इसने कमा के दिया है आपको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। वन ईयर का अगर देखें तो वन ईयर में 7 रुपये की तेजी देखने वाली है, 7.02 रुपये, 450% से ज़्यादा रिटर्न इसने सिर्फ और सिर्फ 1 साल में आपको बना के दिए हैं। तो एक भारी पैसा आपको मिला है सिर्फ और सिर्फ 1 साल में। अगर आपने इसको लास्ट ईयर बाई किया होता, बहुत नीचे के लेवल पर जब ये था तब इसमें बहुत आपको फ़ायदा हुआ होता। तो ये तो बात है इसके इसने कैसा क्या परफॉर्मेंस दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी पर आपको क्यों पैसा लगाना चाहिए, कंपनी क्यों इतनी अच्छी मानी जा रही है, कंपनी का क्या भविष्य है। तो आप देखें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है, तो फार्मा का बूम कभी ख़राब नहीं होने वाला, ये बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि फार्मा ऐसा सेक्टर है कि हमेशा लोगों को फार्मास्यूटिकल की जरूरत पड़नी ही है, कभी लोगों की मांग कम नहीं होने वाली, बढ़ती ही जाना है। स्मॉल कैप कंपनी है ये, लगभग 643 करोड़ का इसका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और पी रेशियो देखें अगर आप, पी रेशियो 22.06 का है, मतलब कि कंपनी अभी ज़्यादा महंगी नहीं है, क्योंकि सेक्टर में 39.89 का सेक्टर का पी है, तो पी जो सेक्टर का है उससे काफ़ी कम है। तो कंपनी आपको सस्ते में अभी मिल रही है, छोटी कंपनी है और काफ़ी आपको छोटे भाव पर मिल रही है। पीवी रेशियो देखिए तो 4.42 का, जो कि सेक्टर के पीवी से कम है, मतलब कि थोड़ा सा जरूर कम है लेकिन इतनी कंपनी छोटी है उसके बावजूद भी इसका पी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सेक्टर से कम है लेकिन काफ़ी बेहतरीन है, मतलब इनके पास एसेट्स भी पर्याप्त मात्रा है, मतलब कि कंपनी आपका पैसा डुबाने नहीं वाली, ये देखते ही पता चल रहा है इसको। ये तो बात रही कंपनी की पी और पीवी रेशियो की। अब हम आपको दिखाते हैं सबसे मेन चीज़ इसके फाइनेंशियल कि फाइनेंशियल ट्रेंड इनका कैसा क्या रहा है। तो आप गौर करें टोटल रेवेन्यू पर, इनका रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 163, 191, 210, 251, मतलब कि इनका हर साल जो है रेवेन्यू लगातार इन्होंने प्रॉफिट में ही जनरेट किया है, मतलब कि अच्छा खासा इनका रेवेन्यू हर साल रहा है। उससे भी जो अच्छी चीज़ इनके लिए पॉजिटिव है वो है इनकी नेट इनकम। इनकी नेट इनकम देखिए 8.64 करोड़, 11.09 करोड़, 14.25 करोड़ और 29.18 करोड़, सीधे 14 करोड़ से कहाँ पहुँच गए 29 करोड़ में, मतलब सीधे इन्होंने अपना नेट इनकम दुगनी कर दी इस साल। तो सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो इसमें ये दिखाई दे रही है, इनकी इनकम और रेवेन्यू इन्होंने अपना जो बढ़ाया है बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, क्योंकि बहुत कम कंपनियाँ होती हैं जो इतने जल्दी इतनी अच्छी रिकवरी दें, मतलब कि लगातार प्रॉफिट बनी रहे और एकदम से अपने जो इनकम को और रेवेन्यू को दोगुना कर दें या डेढ़ गुना कर दें। तो ये वो कंपनी है जो काम इस कंपनी ने करके दिखाया है।
अर्निंग पर शेयर देखें तो 18 पैसे की अर्निंग पर शेयर थी इनकी, और इस साल सीधे 38 पैसे, तो इस पर भी इनमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी आपको काफ़ी अच्छी भाव में एक बहुत सस्ती कंपनी मिल रही है जो आपका भविष्य काफ़ी उज्ज्वल बनाने वाली है। अब आप इसमें एक चीज़ देखें, गौर करें, प्रमोटर्स होल्डिंग 41.18% के आसपास की होल्डिंग, लगभग 40-50% के आसपास या 50% के आसपास की होल्डिंग्स होती है प्रमोटर्स के पास में। अगर हो तो कंपनी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, मतलब कि कंपनी के प्रमोटर्स को जो होता है अपनी कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है, क्योंकि अगर प्रमोटर्स को कंपनी पर भरोसा है तो काफ़ी लोग जो है बाकी लोग भी है इस पर भरोसा कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रमोटर्स को कितना ज़्यादा भरोसा है कंपनी पर, तो इस लिहाज से देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स को बहुत अच्छा भरोसा है, कंपनी के प्रमोटर्स इस कंपनी को काफ़ी आगे ले जाने की सोच में बिल्कुल आगे तत्पर है। ये तो बात है कंपनी के होल्डिंग्स की। अब देखें म्यूचुअल फंड की और डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की और फॉरन स्टूडेंट्स की, इसमें बिल्कुल भी होल्डिंग नहीं है। जो अपने रिटेलर्स हैं तो उनका लगभग इसमें 58.82% के आसपास की होल्डिंग है, मतलब कि एक अच्छा सा पैसा जो है छोटे लोगों का लगा हुआ है। तो कंपनी जो है आपको बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत तगड़े हैं, ये कंपनी आपको भविष्य में काफ़ी अच्छा पैसा बना के देने वाली है। अगर इस कंपनी के शेयर को आप होल्ड करते हैं 1-2 साल के लिए, आपने अभी खुद देखा 1 साल में इसे 450% दिए, तो अगले साल तक 2 साल तक आपको अगर उसको होल्ड करते हैं तो आपको फिर से 200-300% इससे आराम से मिल सकते हैं, ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी आगे और भी बड़ी होने वाली है। ये तो बात है कंपनी के फंडामेंटल्स की। अब हम चलते हैं टेक्निकल पर, मतलब कि कंपनी के चार्ट पर कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो अगर आप गौर करें तो इस लेवल जो इसका ऑलमोस्ट 3 रुपये के आसपास का लेवल था, यहाँ से इसने जो चढ़ाई चालू की थी तो इसने सीधी चढ़ाई चालू की थी, और आप देखिए यहाँ तक इसने चढ़ाई चालू की 5.70 रुपये तक, मतलब 2.5 रुपये के आसपास की इसमें तेज़ी आ गई थी। और इसका गौर करें RSI इसका 90 के आसपास पहुँच गया था, 90-92 के आसपास पहुँच गया था, फिर क्या हुआ इसमें हल्की सी गिरावट आई, जैसे ही गिरावट खत्म हुई फिर इसने एकदम से इस लेवल से ऑलमोस्ट 5.25 रुपये से सीधे कहाँ पहुँचा, 9 रुपये के लेवल तक पहुँच गया था। 9 रुपये के लेवल पर जब पहुंचा तो इसमें हमने आपको वार्न किया कि आप इसमें थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि इसका आप गौर करें RSI काफ़ी ज़्यादा हाई पहुंच चुका है, और इसमें चूँकि इसमें जो पहली बात गिरावट हो चुकी थी तो अपनी हिस्ट्री रिपीट करेगा, और इसने वैसे किया अपनी रिपीट की हिस्ट्री, और इसमें जो है गिरावट देखने को मिली, देखिए इसमें गिरावट आई, अच्छी अच्छी गिरावट देखने को मिली। फिर क्या हुआ, हमने आपको सपोर्ट दिया था 7.70 रुपये का, यहीं सपोर्ट से इसने ऊपर की तरफ चढ़ाई चालू की थी, और फिर क्या हुआ इसमें दोबारा से तेज़ी आई और इसने ऊपर की तरफ बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई। फिर उसने उस लेवल को जो हमने आपको बताया था 6 जो अपना टारगेट दिया था 8 रुपये के आसपास का, 9 रुपये 48 पैसे के आसपास का, उस टारगेट को उसने अचीव करते करते पहुंच गया था, ऑलमोस्ट 9 रुपये के आसपास के लेवल को टच कर लिया था इसने, 9 रुपये 30 पैसे तक पहुंच गया था। फिर उसमें क्या हुआ, दोबारा से गिरावट आई, उस गिरावट के बाद से इसने यहां से फिर सपोर्ट लिया और दोबारा से ऊपर गया। तो हमने आपको बताया था कि ये जो आपका लेवल है 9 रुपये 48 पैसे, इस सपोर्ट इस रेजिस्टेंस को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है आपका बहुत क्रूशियल रहने वाला है, ये जो रेजिस्टेंस है आपको काफ़ी ज़्यादा तंग करने वाला है। तो उसने बहुत ज़्यादा तंग किया आपको इस सब, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ये ऊपर अभी तक नहीं जा पाया है, और बार बार इस रेजिस्टेंस के बाद से इसमें गिरावट देखने मिली, और फिर से गिरावट लेके ये नीचे आ गया था। तो इस पर जो अब गिरावट आई है, फिर से क्या हुआ, ये गिरावट लेके इसी सपोर्ट इसी लेवल से सपोर्ट लेके फिर से अब ऊपर की तरफ चढ़ना इसने चालू कर दिया है। तो अब जो है इसमें बहुत जल्द दोबारा से तेज़ी देखने को मिलने वाली है, बिल्कुल पक्की बात है। तो जो इसमें तेज़ी है, तेज़ी अब कहाँ तक जा सकती है, तो इसका तेज़ी का जो टारगेट है आपका वो रहने वाला है 9.48 रुपये, बहुत जल्द आपको ये टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई देने वाला है। क्योंकि जो सपोर्ट था 7.70 रुपये का हमने आपको जो दिया था, बहुत पहले आपको मैंने ये सपोर्ट दिया था 7.70 रुपये, अभी तक ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे नहीं गया है, मतलब कि इसमें पक्की बात है कि ये प्राइस काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहने वाला है, इस प्राइस में बहुत ताकत है और ये ऊपर जाने वाला है, और दोबारा से आपको इस लेवल पर 9.48 रुपये बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, आपको फ्रेश बाइंग इस लेवल पर बिल्कुल नहीं करनी है। फ्रेश बाइंग आपको कहाँ करनी थी, 7.70 रुपये, इस लेवल पर आपकी बाइंग बहुत अच्छी रहती है, और आपने इस लेवल पर बाइंग की होगी तो आपको काफ़ी तगड़ा पैसा इस कंपनी से मिलने वाला है। तो आपको अभी अगर बाइंग करना है तो अभी ये सही समय नहीं है इस बाइंग करने का, इसका दोबारा से इंतजार कीजिए नीचे आने का, जबकि नीचे आएगा तो आप इसमें दोबारा से बाइंग कर सकते हैं, और अगर ये नीचे नहीं आता है, मतलब कि 9.48 रुपये के ऊपर चला जाता है, तो कम से कम 2 या 3 तरह का ये 9.48 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब आप इसमें इस लेवल पर बाइंग कर सकते हैं 9.48 रुपये के ऊपर, तभी करना है जब ये ऊपर अपनी क्लोजिंग दे कम से कम 2 से 3 दिन, अच्छा 2 से 3 दिन ये ऊपर नहीं देता है, मतलब माफ़ कीजिएगा क्लोजिंग नहीं देता है 2 से 3 दिन 9.48 रुपये, तब आपको इसमें बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना है, तब आपको इंतज़ार करना है दोबारा से 7.70 रुपये के लेवल पर इसके आने का, तब आप इसमें बाइंग कीजिएगा इस लेवल पर, और आपको काफ़ी तगड़ा इससे पैसा मिलने वाला है, क्योंकि ये आपका बहुत बेहतरीन सपोर्ट का काम करने वाला है 7.70 रुपये। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो सबसे अच्छा उससे भी तगड़ा सपोर्ट जो है वो 7.43 रुपये पर है, तो इसकी बात अभी नहीं करेंगे, वहाँ मेन फोकस जो है 7.70 रुपये पर और टारगेट 9.48 रुपये पर, ये बहुत आपके दोनों क्रूशियल सपोर्ट है।
और अगर आप इसमें सोच रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में इसको इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा और लंबे समय के इसको होल्ड करना है, तो आपका सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 10 रुपये के आसपास का। तो ये दो आपके बहुत महत्वपूर्ण टारगेट रहने वाले हैं, आपको इन लेवल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, काफ़ी क्रूशियल लेवल्स हैं ये, तो आपको अभी बाइंग नहीं करना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको अभी बाइंग नहीं करना है। लेवल आपको बता दी मैंने कि आपको बाइंग करने के किस लेवल पर बाइंग करना है और टारगेट क्या रखना है आपको। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार हम पर बनाए रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।